में दो मासूम बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या करने के मामले में रहवासी गुस्से में हैं। वहीं आक्रोश के चलते लोग सड़कों पर भी आ गए हैं। आज सुबह से ही लोगों का सड़कों पर उतरना जारी रहा। प्रदेश सरकार के खिलाफ भी गुस्सा कम नहीं था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आई हैं। इस बीच कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया है कि पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आए। इस बीच कलेक्टर ये भी कहते सुने गए कि पुलिस अपनी गाड़ियों में हथियार भी रखे। बता दें कि सतना जिले के चित्रकूट से अपहृत किए गए दो मासूम बच्चों प्रियांश एवं श्रेयांश के शव आज बांदा जिले की एक नदी में पाए गए। इनके बाद पुलिस ने इन दोनों मासूम बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसे ये खबर शहर में फैली तो जिले भर से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरने लगे। इन दोनों बच्चों का 12 फरवरी को कट्टी की नोक पर बस में से अपहरण किया गया था। लोगों के आक्रोश के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच सुबह 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रीवा पहुंचे। वहीं उन्होंने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश की सरकार चला कौन रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री कौन है। दिग्विजय सिंह का नाम न लेते हुए उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश की सरकार को चला कौन रहा है और यहां पर कौन मुख्यमंत्री है। दिग्विजय सिंह का नाम न लेते हुए उन्होंने मिस्टर बंटाधार की उपाधि दी और कहा कि प्रदेश में मिस्टर बंटाधार रिटर्न्स हो रहा है क्योंकि बाहरी लोग मंत्रियों को डांट रहे हैं और प्रशासनिक निर्णयों के बीच हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब एक आध हो तो बताएं। कभी कोई अपने आप को कहता है, कभी कोई अपने आप को कहता है, कोई ग्वालियर की बैठक लेता है, कोई आपने दो दिन पहले कहा आईसीएम चला रहे हैं मध्य प्रदेश। हाँ, तो आप समझिए कौन कौन है ये सरकार कब तक चलेगी। एक की पूरी चल रही है, एक सीएम है और एक की पूरी नहीं चल रही, आधी चल रही। नाम लेने में प्रदेश के वो सब समझते हैं कौन कौन अपराध का महाद्वीप बन गया है। केवल मित्रों आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी प्रवृत्ति भी वैसी नहीं है, लेकिन इस घटना ने अंतर मन न केवल दुखी किया है बल्कि अंदर से हिला दिया है। भगवान ना करे कभी अपहरण हो, लेकिन ऐसी कोई घटना होती थी हम दिन और रात मॉनिटरिंग करते थे और कोशिश करते थे कि कम से कम सही सलामत हम कैसे लोगों को निकालें। इस बीच पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि तबादला उद्योग चलाने वाली सरकार में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। चित्रकूट से अगवा किए गए जुड़वा भाइयों की हत्या बहुत ही दुखद है। 13 दिन बाद भी सुरक्षित बच्चों को वापस न लाने वाली सरकार जवाब दे कि अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों है, क्यों जनता पर लगातार अपराध हो रहे हैं। इसी बीच चित्रकूट में भी तनाव की स्थिति बनी रही। लोगों ने पुलिस के वाहनों की तोड़फोड़ करना शुरू कर दी है, साथ ही कई जगहों पर पुलिस के साथ लोगों की आतापाई भी हुई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी सद्गुरु सेवा संघ के लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने पकड़कर गौ सेवा केंद्र के अंदर ले जाकर पिटाई की जा रही है। इस बीच कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों के हत्यारे पकड़े गए हैं जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। Thank you.
के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। वहीं डीजीपी वीके सिंह ने भी बताया कि पास की कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वहीं उनको फांसी देने की बात भी कही गई। आरोपियों में दो बीबीए के छात्र भी शामिल हैं। साथ ही वह लोग पुलिस से बचने के लिए इंटरनेट कॉलिंग का सहारा ले रहे थे।